चलिए शुरू करते हैं आज का एक छोटा सा पैराग्राफ जो टेररिज्म पर आधारित है। हमने जो पढ़ा, किताब ने पढ़ा, कहाँ वॉकैब हमें परेशान करती है, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा पैराग्राफ है टेररिज्म, इस पर एक बड़ा ऐसे लिखेंगे वक्तानी पर। देखिए, छेड़छाड़ आज हमारे रूढ़िवादी समाज और देश की ज्वलंत और गंभीर समस्या है। सेंटेंस यहाँ पर छेड़छाड़ से उठेगा क्योंकि वाक्य का कर्ता यही है और जनरल सेंटेंस है, कोई आपका टेंस वगैरह नहीं है। मलस्टेशन कहते हैं छेड़छाड़ को, मलस्टेशन इज आएगा। कैसी कैसी प्रॉब्लम है, पहले है आपका ज्वलंत और गंभीर, वो बाद में आएगा, पहले आप पकड़ोगे ज्वलंत और गंभीर समस्या। एस आर्टिकल लगाएंगे, बर्निंग, एक ही बार आर्टिकल आएगा क्योंकि वर्ड एक ही कनेक्ट हो रहा है, बर्निंग एंड। फिर आपने कहा गंभीर, गंभीर के लिए हम जो है यूज करेंगे ग्रेव। गंभीर के लिए सीरियस प्रॉब्लम को भी नहीं यूज करना है, ग्रेव प्रॉब्लम। हो गया सेंटेंस, यहाँ तक आ गया, आगे लेके जाना है। मलेस्टेशन इज ए बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम। अब आगे जाना है ये भैया, छेड़छाड़ खत्म हो गया, यहाँ टुडे और लगा दें क्योंकि आज से शुरू किया है। टुडे, क्या इसको लास्ट में भी लिख देंगे ठीक रहेगा। टुडे मलेस्टेशन इज ए बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम। किसकी है, अब आएगा, हमारे रूढ़िवादी समाज और देश की। प्रपोजिशन ऑफ आएगा क्योंकि का संबंध लेके आ रहा है। टुडे मलेस्टेशन इज ए बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ। कैसा समाज है आपका, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स को बुलाइए, आपका समाज है ऑर्थोडॉक्स। आप फनी डेली ले लो, ऑर्थोडॉक्स ले लो, ब्लिंकर ले लो, नैरो माइंडेड ले लो, कुछ भी ले लो, पैरोकियल ले लो, अभी सब आ जाते हैं। टुडे मलेस्टेशन इज ए बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ हमारे रूढ़िवादी समाज, आवर और लगा दो, आवर ऑर्थोडॉक्स। जैसा वो कहता है वैसा फॉलो करना है, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी। सोसाइटी है तो सोसाइटी, नेशन है तो नेशन एंड कंट्री। स्टेप बाय स्टेप लिखना कोई चमत्कार नहीं है, लिखना सिर्फ आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। कंट्री जितनी फास्ट वोकैब है और जितनी फास्ट ग्रामर है वही आपको यहाँ पर सपोर्ट करेगी। आप सोचिए कोई जादू मंत्र सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं आता जादू मंत्र। यहाँ पर आपका मलेस्टेशन कहते हैं छेड़छाड़ को, बर्निंग यानी ज्वलंत कहीं भी लगा सकते हैं, ग्रेव यानी गंभीर, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। चार वाक्य यहाँ पर पहली लाइन में आ चुकी है। टेंस का नहीं है, जनरल सेंटेंस है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ही इज ए डॉक्टर, इज यहाँ पर है का सेंस लेकर आ रहा है। इसका आई एन जी तो तब आएगी जब वर्ब होगी, वर्ब यहाँ पर है नहीं तो फिर आई एन जी का मतलब ही नहीं है। आगे चलिए, इस गंभीर समस्या ने और लगा देना, ये गंभीर समस्या, सॉरी, नहीं की जरूरत नहीं है, पूरी मानव जाति को कलंकित कर रही है। वाक्य शुरू होगा, यह गंभीर समस्या, दिस आ गया, ये है। ग्रेव मैं यूज करूंगा नहीं क्योंकि मैं कर चुका हूं, एक बार वर्ड में रिपीट करता नहीं हूं जहां तक उस वर्ड का एंड ना हो जाए। दूसरे गंभीर के लिए वर्ड आएगा आउलिश, आउल से बना है, आउल कहते हैं उल्लू को। इसके आगे यदि आप ISS लगा दें तो गंभीर हो जाएगा। वर्ड रिपीटेशन में करता नहीं और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वर्ड काउंट नहीं होता है, फिर वो रिपीटेशन में चला जाता है। ऐसे तो आप एक ही वर्ड को 10 बार लिख दोगे और ऐसे आपने 10 बार कर दिया तो 100 वर्ड तो वैसे ही हो गए। देश आउलिश प्रॉब्लम, जब तक उसके सिमिलर जिंदा है, हाँ उसके सिमिलर ही खत्म हो जाए फिर तो हमारा हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। देश आउलिश प्रॉब्लम, ये गंभीर समस्या पूरी मानव जाति को कलंकित कर रही है। बताइए कौन सा टेंस काम में ले, सेकेंड वाला, सब सहमत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा, कलंकित कर रही है यानी आपको पता है इस तो आएगा, ठीक है। अब कहानी आ गई कि कलंकित करने को क्या कहते हैं, क्या इसकी कोई वर्ब है, क्या हमारे पास इसकी वर्ब चाहिए, कलंकित कर रही है क्योंकि हर जगह यूज होगा, आपको ING फॉर्म यूज करनी है। कलंकित करने को कहते हैं स्टिगमेटाइज, स्टिगमेटाइजिंग, स्टिगमेटाइजिंग, स्टिगमेटाइज होता है कलंकित का, स्टिग्म होता है कलंक, स्टिगमेटाइज एज ए वर्ब काम करेगी, कलंकित करना, स्टिगमेटाइज कहते हैं इसको। इसका ई हटेगा और इसके ING आ जाएगा। लिखते वक्त कोई ग्रामर वॉयलेशन नहीं, कोई स्पेलिंग वॉयलेशन नहीं, कोई प्रेजेंटेशन वॉयलेशन नहीं, आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे। मैथमेटिक्स की तरह दी, इस आर्ट में आप माहिर हो गए तो, और इसमें माहिर आज की डेट में भी 1 तारीख को आज इसका एग्जाम है, 90% लोग इस गेम से आज ही बाहर है। 90% बोल रहा हूँ मैं, 90% बहुत ज्यादा है। दिस आउलिश प्रॉब्लम इज स्टिग्मेटाइजिंग, क्या
किसको कर रहा है, गंभीर समस्या गई, कलंकित करना गया पूरी मानव जाति को। जाति कास्ट नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा द एंटायर, एंटायर यानी पूरी, इसके साथ द आएगा द एंटायर ह्यूमन। कास्ट नहीं आएगा, कास्ट तो ये होती है शर्मा या चौधरी, ये वाली कास्ट होती है, यहाँ पर उस परिपेक्ष में बात कर रहे हैं। जो क्या आएगा, रेस आएगा, ह्यूमन रेस, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर रेस का मतलब रेस भी नहीं है, रेस का मतलब मानव जाति है। मानव जाति के लिए रेस यूज, मानव कास्ट यूज मत कर जाना, क्योंकि मानव कास्ट जैसा कोई कास्ट तो ये होती है जो हमारी होती है, नेम वगैरह सरनेम वाली ये कास्ट होती है, वो पूरी मानव प्रजाति उसमें सब आ गए, अमेरिकन भी आ गए, इंडियन भी आ गए, सब आ गए, वो मानव जाति ह्यूमन रेस कहलाती है। आपका दूसरा सेंटेंस अपनी वॉकैब को यूज करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कवर हो रहा है, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देश आवलिश प्रॉब्लम इज स्टिग्मेटाइजिंग द एंटायर ह्यूमन रेस। यहाँ पर स्टिग्मेटाइजिंग आएगा वर्ब के रूप में, वी फोर है, आवलिश गंभीर है, ग्रेव का सिमिलर वर्ड है, ग्रेव भी गंभीर और ये भी गंभीर। सारी प्रॉब्लम इस समय महिलाओं के साथ रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ग्रेव प्रॉब्लम है, काउलिश प्रॉब्लम है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ बहुत मिसबिहेव हो रहा है, कुछ मामले रेकअप होते हैं, वो ग्रेव है और आवलिश है। चलिए आगे। हर महिला घर की दहलीज को लांघने से डरती है, जैसे इस डॉक्टर ने लांघा। हायर एजुकेशन लिया, हम वुमेन इमेंसिपेशन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन देते हैं। दिया था ना वुमेन एम्पावरमेंट, क्या गलती था, वो औरत डॉक्टर बन रही थी, क्या हुआ उसके साथ, पूरा देश पूरा वर्ल्ड इस चीज का गवाह है। तो हमने कहा हर महिला घर की दहलीज को लांघने से डरती है, बुलाइए हर महिला को। ईच वुमेन ग्रामर का पार्ट है, एपीओ में भी आ रहा है, आरजेएस में भी आता है। ईच कहीं पर आ जाए, चाहे मैं इसको ईच ऑफ वुमेन लिखता या ईच वुमेन लिखता, यहाँ पर ये ईच और एवरी जब भी आए सिंगुलर वर्ब आएगी। डरती है, डरने का वर्ब लाना है, फियर वर्ब नहीं है। आप सोचो फियर लगा दें, यहाँ पर फियर वर्ब भी नहीं लगाओगे कैसे, डरने के लिए वर्ब आएगा स्केयर्स। बी फाइव आएगा, बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन में, बहुत धीरे धीरे। यहाँ पर आपको नॉलेज देनी है कछुए की चाल से और वहाँ पर नॉलेज देनी है खरगोश की चाल से, ये दो फंडामेंटल याद रखना। ईच वुमेन ए वाला है, सिंगुलर है, ईच वुमेन स्केयर्स। यदि मैं ईच वुमेन को यदि घुमाकर ऐसे लिख दूं, ईच ऑफ वुमेन ऐसे लिख दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईच ऑफ आते ये बहुवचन हो जाएगा वुमेन, लेकिन फिर भी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी, स्केयर्स ही आएगा। यहाँ पर आप स्केयर्स नहीं करोगे, क्योंकि ईच और एवरी की प्लूरल वर्ब से कट्टर दुश्मनी होती है हर हाल में। तो प्रत्येक औरत डरती है, इसलिए डरती है कि सांप वो घर की दहलीज को लांघने में, लांघना वर्ड यूज किया है मैंने, क्रॉस करना यूज नहीं किया है, पार करना यूज नहीं किया, वर्ड ही मैंने हिंदी में बहुत शानदार यूज किया है लांघना। लांघने के वर्ड क्रॉस करने के लिए तो क्रॉस आता, यहाँ पर लांघना है, जो माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को लांघा था, तो वहां पर वर्ड आएगा स्केल, वही वाला स्केल है जो हमने यूज किया है, एज ए वर्ब यूज हो रहा है लांघना, अच्छे से समझ लेना। समझोगे तो हर चीज समझ में आएगी, नहीं समझेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो मेंटल स्टैंडर्ड है कि समझना है। और क्या समझना है, स्केल लांघना हो गया। हजारों बार आपने सुना है कि माँ सीता लक्ष्मण रेखा को लांघ गई थी, तो जब वहां पर आपने सुना है तो आज इंग्लिश में यूज करो स्केल, वही वाली स्केल जो हम यूज करते हैं। स्केयर डरना, स्केल लांघना। ईच वुमेन ने ग्रामर को कहा कि हमारे साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, हमने फॉलो किया। ईच वुमेन स्केयर टू स्केल, क्या स्केल, घर की दहलीज को, स्केल घर की दहलीज, वो परिसीमा, थ्रेशोल्ड ऑफ हाउस। ये हमारे सब आसपास हैं, आपको सिर्फ कनेक्शन बनाना, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड ऑफ हाउस, घर की दहलीज। दहलीज वर्ड यूज किया है मैंने, प्योर हिंदी का वर्ड, सुपर उर्दू का वर्ड दहलीज। हर चीज की दहलीज होती है, मर्यादा की दहलीज होती है, रिश्तों की दहलीज होती है। दहलीज का मतलब लास्ट बॉर्डर, लास्ट स्केल। देखो क्या खूबसूरत लाइन बनी है। प्रत्येक औरत घर की दहलीज को लांघने से डरती है, स्केयर आपका डरना, स्केल लांघना, थ्रेशोल्ड दहलीज,
आपकी वॉकैब और आपका प्रेजेंटेशन कितना साउंड चल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करिए। फिर जा रहा ये अगली लाइन में, घर से बाहर निकलना उसके लिए अग्नि परीक्षा के समान है। घर से बाहर निकलना उसके लिए अग्नि परीक्षा के समान है। सेंटेंस को समझो, ग्रामर कहाँ लेकर जाएगा, पहले सेंटेंस को समझो, रट्टाबाजी नहीं। घर से बाहर निकलना उसके लिए अग्नि परीक्षा के समान है। अब इसमें जो कहानी शुरू होती है, कोई टेंस नजर नहीं आ रहा, कोई रूल नजर नहीं आ रहा, कोई पैसिव नजर नहीं आ रही, तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? सेंटेंस स्टार्ट होगा घर से बाहर निकलना। क्या फ्रेमिंग करोगे, क्या फ्रेमिंग करोगे? घर से बाहर निकलना, फ्रेमिंग जरूरी है, क्योंकि आप लिख रहे हैं मल स्टेशन पर। आप ऐसे लिखने जा रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस 2013 पर, जो मे बी पॉसिबल 1 तारीख को आ सकता है, मे बी पॉसिबल। तो आपने कहा कि घर से बाहर निकलना उसके लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है। कहानी इतनी सी में अटक गई कि घर से बाहर निकलना, अब इसको बोले टू कम आउट हाउस नहीं जमता, वो जाना हो गया। हमें कहते हैं घर से बाहर निकलना, सिंपल सा, टू स्टेप आउट। यहाँ पर आपको एक फ्रेजल वर्ब यूज करनी पड़ेगी, टू स्टेप आउट। स्टेप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, टू स्टेप आउट, बाहर निकलना, स्टेप आउट हाउस, घर से बाहर निकलना, कोचिंग से बाहर निकलना, ऑफिस से बाहर निकलना, टू स्टेप आउट हाउस, इसमें सब आ गया। घर से बाहर निकलना, स्टेप इन का मतलब होता है अंदर जाना, स्टेप आउट का मतलब बाहर जाना। अच्छे से प्रिंट करो और अभी कर लेना, अभी आपने सबने स्टेप इन किया है। पहले आपने इंस्टीट्यूट में स्टेप इन किया, फिर आपने क्लास में स्टेप इन किया। अब जैसे ही हमारा क्लास जो है डिस्पर्स होगी, हम एक बार स्टेप आउट करेंगे, पहले रूम से, हो सकता है चाय पानी पीनी हो तो इंस्टीट्यूट से, अभी तैयार कर लेना कुछ देर के अंदर। स्टेप इन अभी हुआ, स्टेप आउट बाहर हुआ, टू स्टेप आउट हाउस किसके समान है? अगला कह रहा है उसके लिए एक अग्नि परीक्षा के समान है। इज, पहले तो इज आएगा, है, फिर जनरल सेंटेंस आ गया, समान है, अकिन टू। अकिन टू का मतलब के जैसा, इंपॉर्टेंट कर लेना, अकिन के साथ प्रपोजिशन टू आएगा, जो हो सकता है एपीओ में क्वेश्चन बना जाए। ये क्वेश्चन बनेगा एपीओ में, वो क्वेश्चन बन सकता है एपीओ में, कोई खुद के पेपर सेटर खुद बनना है। पेपर सेटर चांद पे नहीं रहता, यहीं रहता है जमीन पे, लेकिन अब डरते हैं पेपर आएगा, उसको पता नहीं कौन सेट करेगा। अरे पेपर फोबिया खत्म कर दो, खुद के पेपर सेटर खुद बनो कि मैं उससे बड़ा पेपर सेटर हूँ, अपने आप एग्जाम क्लियर है। टू स्टेप आउट हाउस, घर से बाहर निकलना क्या है? इज अकिन टू, फिर अटक गई गाड़ी के पर, अग्नि परीक्षा के समान है। उसके लिए क्या बोलेंगे अग्नि परीक्षा को? फायर एग्जामिनेशन तो बोलना नहीं है। अकिन टू पर्टिकुलर वर्ड आएगा जो बहुत ऐसे में घूमेगा, बहुत ज्यादा ऐसे में घूमेगा, ऑर्डियल, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है, ऑर्डियल फॉर हर। ऑर्डियल यानी अग्नि परीक्षा, यानी सबसे टफ समय जो होता है वो ऑर्डियल कहलाता है। इसको केमिस्ट्री की भाषा में लिटमस टेस्ट भी कहते हैं, इसी का भाई है लिटमस टेस्ट। टू स्टेप आउट हाउस इज अकिन टू ऑर्डियल फॉर हर, उसके लिए घर से बाहर निकलना अग्नि परीक्षा के समान होता है। टू स्टेप आउट बाहर निकलना इज अकिन टू के जैसा ऑर्डियल फॉर हर। ऑर्डियल को आप किसी भी ऐसे में, किसी भी राइटिंग सेक्शन में उठा सकते हैं। तो ये एपीओ में प्रेसी आएगी, प्रेसी को पढ़ने के लिए वोकैब चाहिए। जब तक आपको प्रेसी का मतलब ही नहीं समझ में आएगा, हाउ कैन यू राइट वन वन थर्ड ऑफ द एसी, अनसीन पैसेज आएगा, इसी का पार्ट। 10 नंबर की ट्रांसलेशन आएगी, फोकट के नंबर है, फोकट के 10 आउट ऑफ 10, लेकिन ये सब आना चाहिए। आगे चलिए, उसे अपनी मान मर्यादा को कटघरे में खड़ा खड़ा करना पड़ता है। पड़ता है, यहाँ पर कहानी फिर उपचुक हो रही है, पड़ता है। ये कहता है भाई साहब ये टेंस नहीं है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक तो मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ और एक मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं पैदल चलता हूँ और मुझे पैदल चलना पड़ता है। एक में आपकी इच्छा है, एक में आपकी मजबूरी है, एक टेंस है, एक रूल है, याद रखना है। एक आपकी इच्छा है, एक आपकी मजबूरी है। एक में टेंस आएगा, दूसरे में रूल आएगा, मजबूरी वाला रूल। तो ये क्या कहता है? लिखने से सब चीज क्लियर होती है। उसे अपने मान मर्यादा को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। शी हैज टू, अच्छे से समझ लेना,
हैज टू का हैज से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी, शी हैज टू, इस हैज का उस हैज से कोई लेना देना नहीं है, दूर का न पास का, दोस्ती का ना दुश्मनी का। वो कहता है मैं टेंस हूँ, ये कहता है मैं रोल हूँ, वो कहता है मैं इच्छा को शो करता हूँ, ये कहता है मैं मजबूरी को शो करता हूँ। ठीक है, जहां जहां ग्रामर में टू आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां जहां टू आएगा, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, बिगेन टू, कंटिन्यू टू, वाज अबाउट टू, सब में टू प्लस वी वन आएगा जो हम पढ़ेंगे वक्त आने पर। शी हैज टू, क्या करना पड़ता है, अपनी जो मान मर्यादा होती है उसको कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। पुट, पुट की तीनों फॉर्म पुट होती है, सबको पता है। क्या कर खड़ा करना पड़ता है, अपनी मान मर्यादा को, हर डिग्निटी एंड डिकोरम, हर डिग्निटी एंड डिकोरम, मान मर्यादा का पेयर वर्ड है, मान मर्यादा का पेयर वर्ड है, डिग्निटी एंड डिकोरम हर जगह यूज होगा। उसे अपनी मान मर्यादा को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। आपने मजबूरी का सेंटेंस बुलाया, आपने टेंस को छोड़ा है, खड़ा करती रखती है, तब तो पुट्स आ जाता, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है उसकी। उधर घरवालों को कंप्लेन करती है कि साहब मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, वो क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। उसे अपने इनर से भी लड़ना पड़ता है, अपनी कंसाइन से भी लड़ना पड़ता है, वो एक प्रॉब्लम। तो शी हैज टू पुट हर डिग्निटी एंड डिकोरम कहाँ, कटघरे में, कटघरा इन टू डॉक फ्रेज है, बहुत अच्छी यूज है, पुट इट टू डॉग आपकी एक फ्रेज है, पुट डैश डैश उसके बाद वो रख देंगे जिसको आपको क्वेश्चन मार्क करना है, पुट इन टू डॉग, आप मेरी ईमानदारी को कटघरे में खड़ा करते हैं, यू पुट माई ऑनेस्टी इन टू डॉग, एक पत्नी अपने पति को कह रही कि आप मेरे करेक्टर को कटघरे में खड़ा करते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मतलब शक करते हैं, You put my character into dog. फ्रेज को यूज करना आ गया। पुट के बाद वो शब्द रख देंगे जिसको आप कटघरे में खड़ा कर रहे हो, चाहे वो ऑनेस्टी हो सकती है, चाहे वो करेक्टर हो सकता है, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, कुछ परफॉर्मेंस हो सकती है। क्या आप मेरी परफॉर्मेंस को कटघरे में खड़ा करते हो, आपने कहा कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, मैंने कहा आप मेरी परफॉर्मेंस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, यू आर पुटिंग माई परफॉर्मेंस इन टू डॉग, पुट इन टू डॉग का मतलब है क्वेश्चन मार्क लगा देना, शक करना, कॉल इन क्वेश्चन करना, ऐसा कुछ भी करना जो क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाए। तो कहानी चल रही है आगे, शी हैज टू पुट हर डिग्निटी एंड डिकोरम इन टू डॉग, हैज टू बोले मजबूरी है, रखना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है, हैज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीन तरह की मजबूरियां पड़ेंगे, एक भूतकाल की मजबूरी, एक वर्तमान काल की मजबूरी, एक भविष्य काल की मजबूरी। मजबूरी का मतलब वो काम आपने कंप्लीट होकर किया है या कंपील होकर करोगे या कंपील होके करना पड़ता है, मजबूरी है। शी हैज टू पुट हर डिग्निटी एंड डिकोरम इन टू डॉग, समझ में आ गई कहानी आ तक, कहानी को आगे लेके चलो, ओडीएल अग्नि परीक्षा। फिर क्या कहता है आपसे, उसे एक औरत का सम्मान तलवार की धार पर अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, एक औरत का सम्मान है तलवार की धार पर सिद्ध करना पड़ता है। फिर आ जाओ, शी हैज टू प्रूव, शी हैज टू प्रूव, उसे सिद्ध करना पड़ता है, ठीक है, क्या सिद्ध करना पड़ता है, एक औरत का सम्मान, ए वुमेन्स, यहाँ पर एफेस्ट्रफी आएगी, इसको एफेस्ट्रफी कहते हैं, एक का केकी का संबंध बताती है सजीव संज्ञाओं में, आप इसको उल्टा नहीं लिख सकते, ए वुमेन्स एस्टीम, एस्टीम की जगह ऑनर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्ट भी लिख सकते हो, वक्त की बात है आपको क्या याद आएगा, वो हालात की बात है, लेकिन रखो सब याद गया आएगा, अलग मैटर है। शी हैज टू प्रूव ए वुमेन्स एस्टीम, कहां पर, तलवार की धार पर, ऑन, प्रपोजिशन ऑन आएगा, ऑन धार को कहते हैं एज, एज ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड कहते हैं तलवार को, देखिए यहां पर ऑफ आया है क्योंकि निर्जीव संज्ञा में संबंध है काकी का, यहां पर एफेस्ट्रफी आया है क्योंकि यहां पर सजीव संज्ञा में संबंध है काकी का, औरत का सम्मान, वुमेन्स एस्टीम, तलवार की धार, एज ऑफ सॉर्ड, पकड़ना है एक एक चीज को, बहुत शानदार एडिटर अपने आप में डेवलप करना है यदि आपको एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो ये आर्ट आपको आज ही नहीं पूरी लाइफ काम आएगी, होल लाइफ काम आएगी यदि आपने इस पे क्लच कर लिया है। तो शी हैज टू प्रूव ए वुमेन्स एस्टीम, उसे एक औरत का सम्मान सिद्ध करना पड़ता है, कहाँ, ऑन एज ऑफ सॉर्ड, तलवार की धार पर, ओके, ग्रामर सब एक साथ लेके चल रहे हैं हम, और आगे आइए, सिद्ध करना पड़ता है, प्रूव एंड द एज ऑफ सॉर्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत, लिख लो, समझ लो, प्रेजेंटेशन दे दो, कौन देगा इसका प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ,
बोलिए कौन बोलेगा। अरे अपने आप में यू कैसे टेक द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करो, इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, वक्त की तैयारी हो रही है, हालात की तैयारी हो रही है। यस क्षितिज बोलो, बोलना है इसको। सो और शी हैज टू प्रूव ए वुमेन्स टेस्टिमोनी, और कोई और चैलेंज लेना चाहेगा। पढ़ोगे तो फोबिया खत्म होगा, फोबिया खत्म होगा तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, बेनिफिट अपना ही है। हेजिटेशन इस किसी से नहीं, सब अपन बैचमेट हैं, सब क्लासमेट हैं, सब फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आता है नहीं आता, गलत बोलेंगे सही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चैलेंज को लो, कोई क्या कहेगा इसकी परवाह मत करो, दुनिया क्या कहेगी इस थीम को दिमाग से निकाल दो। मुझे करना है दुनिया मेरी मजाक उड़ाए, हंसे, मुस्कुराए, क्रिप्टिक स्माइल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा होता तो द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर साबित हसन कभी आईपीएस नहीं बनते 22 साल की एज में। उनकी बहुत मजाक उड़ती थी स्कूल अपने कॉलेज में, वो गांव से आए थे इसलिए उनकी मजाक उड़ती थी, लेकिन उन्हें परवाह नहीं की। वो जैसा आया जो भी आया बोलते रहे, लिखते रहे, और यूपीएससी का इंटरव्यू उन्होंने इंग्लिश में दिया था और द यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर बने थे देश के 22 साल की एज में। वैसा आपको बनना है उसकी शुरुआत आज से करो, वहां जाके कोई चमत्कार थोड़ी होगा। वहां एग्जामिनेशन हॉल में या इंटरव्यू के पोडियम पर कोई चमत्कार थोड़ी होगा, वो चमत्कार तो आज होगा। वो तो सिर्फ वहां का प्रोसेस है, वो तो विजन दिखाएगा। सिलेक्शन एग्जाम से बाहर होता है, अंदर कभी नहीं होता। दैट इज द प्रोसीजर, माइंड इट। वो आपका प्रोसीजर है, एक पेपर आएगा उसे हम करेंगे, फिर नंबर आएंगे, फिर मेरिट बनेगी, फिर हमें कॉल किया जाएगा। आई थिंक जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, सिलेक्शन बाहर होता है, और वो सिलेक्शन की शुरुआत आज से करनी है, अभी से करनी है, इसी समय से करनी है, उसको सर्टेन करना है, ऑन द कार्ड्स करना है, तो शुरुआत कर दो। बोलो कौन करेगा। बोलो कॉन्फिडेंस, वो ऑफिसर बनना है तो वो आग डेवलप करो पहले दिमाग में। दिमाग में वो आग लेकर आओ कि मुझे बनना है, बनना है तो चैलेंज का पहला पार्ट ये इंटरव्यू है, यू मान लो। बोलो। और ये और कोई और तृप्ति ने चैलेंज दिया, कोई और? अरे ले लो, गलत की परवाह मत करो, डरो मत, डोंट हैव ए फोबिया। जिंदगी चैलेंज दे रही है तो ये समझ लीजिए आपको कुछ बनाना चाहती है। लाइफ ने जहाँ पे चैलेंज दे दिया और उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, समझ लो लाइफ आपको एक टर्निंग पॉइंट देना चाहती है। वो आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ रहे हो कि ले रहे हो। यस आप बोलो, गलत ही तो बोलोगे, बोल के देखो। यस और कोई? गलत बोलोगे कोई परवाह नहीं है, गलत ही तो बोलोगे। बोलो, बोलेगा वो ऑफिसर बनेगा। आयुष बोलो, उस दिन बोला था आपने कोई परवाह नहीं है। ये लो बोल दिया, ये बाड़मेर से आए हैं, इन्होंने पहले दिन कहा था सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, क्या हो गया? बोलते बोलते कब अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती, मेरी थोड़ी थी अच्छी अंग्रेजी, कभी की होगी? बस ऐसा थोड़ी है कोई हम माँ की कोख से अभी अभिमन्यु भी नहीं सीख के आया था, वो भी आधा चक्रव्यूह भेद कर सीखना आया था। तो जिंदगी में सब कुछ सीखा जाता है, मौका मिल रहा तो उसे छोड़ो मत, डरो मत। फोबिया यहाँ रहेगा तो वहां भी रहेगा, वहां पर इंटरव्यू में अपन को कौन सा चमत्कार होगा, इंटरव्यू में भी। अब 2 मिनट का टाइम है, आप इसकी वॉकअप को रोटेट करिए, फिर सेकेंड पार्ट पर चलें। ऐसे पूछता हूँ, 2 मिनट का टाइम है, वॉक ऐप को यहीं खत्म करिए, रिपीट कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए, रूमिनेट कर लीजिए, चूदा कट कर लीजिए। चूदा कट का मतलब होता है उस चीज का मनन करना, बार बार रिपीटेशन में लेके आना। यहाँ का काम यहीं खत्म, हम कोई पेंडेंसी में नहीं छोड़ेंगे। और इतनी फास्ट वॉक ऐप तैयार करो कि जिससे आप मतलब रोटेशन में लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। आप आरजेस के 3 ऐसे लिखेंगे तो सोचो कितनी वॉक ऐप और कितनी ग्रामर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर। आपका पेन नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट इतने शानदार रोटेट होने चाहिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, खटाखट जहाँ से शुरू हुए खत्म लास्ट वर्ड पे होना चाहिए। इतनी फास्ट स्पीड होगी तो आप आरजेस बहुत इजीली बन सकते हैं, इजीली नहीं बहुत इजीली। आलू प्याज खरीदना महंगा है, ऑफिसर बनना इजी है यदि आपका ट्रैक सही है तो। आइए दहलीज को क्या बोलेंगे, कॉपी किताब सबसे नजर उठा लीजिए, दहलीज को क्या बोलेंगे? ट्रैश और मान मर्यादा, मान मर्यादा एक साथ बोलो, मान मर्यादा कहाँ है यहाँ पर? डिग्निटी एंड डिकोरम, घर से बाहर निकलना, स्टेप आउट, डरना, डरना, डरने को क्या बोलेंगे? मुझे आने वाली चुनौती से डर लग रहा है, मुझे स्केयर, मुझे आने वाली चुनौती से डर लग रहा है, मुझे आने वाली चुनौती से डर लग रहा है। किसको? पहले तो आओ, पहले तो ये आओ, मुझे डर लग रहा है। आई एम स्क्रेइंग इम्पेंडिंग चैलेंजेस, इम्पेंडिंग का मतलब आने वाला, जो भी आने वाली चुनौती है उससे मुझे डर लग रहा है। रूढ़िवादी, और रूढ़िवादी लोग जो है राशियों पे भरोसा करते हैं, रूढ़िवादी लोग राशियों पे भरोसा करते हैं। जल्दी क्विक कंप्यूटर की स्पीड से, रूढ़िवादी लोग राशियों पे भरोसा करते हैं। ऑर्थोडॉक्स पीपल बनाओ, जो भी गलत सही की परवाह हो तो मत करो।
रूढ़िवादी लोग राशियों पे भरोसा करते हैं, ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव तो अपनी यूज ही नहीं करते, वो तो भगवान में होता है, वो तो बिलीव इन गॉड होता है। अब हमारा वर्ड क्या है जो यहाँ पर सेट होगा सही तरीके से आगे, द ऑर्थोडॉक्स पीपल रिलाय ऑन जोडिएक्स। जोडिएक्स कहते हैं राशियों पर। क्या तुम जो है अंधविश्वास पे भरोसा करते हो? क्या क्वेश्चन बनेगा, क्या सेंटेंस बनेगा? क्या तुम अंधविश्वास पे भरोसा करते हो? यस बताओ क्षितिज, क्या तुम अंधविश्वास पे भरोसा करते हो? डू यू रिलाय ऑन सुपरस्टिशंस? नहीं, मैं अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता, मैं अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करता। आई नोट कैसे आएगा, उसकी हेल्पिंग वर्क तो बुलाओ। आई डोंट रिलाय ऑन सुपरस्टिशन, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा और आधुनिक इंसान हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा और आधुनिक इंसान हूँ। स्पीड बहुत तेज, बहुत शार्प, ये आप आरजेस ऐसे लिख रहे हो इस स्पीड के साथ, यहाँ प्रेजेंटेशन और यहाँ क्रिएशन और वहाँ प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई एम इलिटरेट, आई एम एन इलिटरेट और एंड या तो मॉडर्न कर दो या हिट्रोडॉक्स कर दो, हिट्रोडॉक्स पर्सन। सो आई डोंट रिलाई ऑन सुपरस्टिशंस, मिथ्स, जोडिएक्स, ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स कहते हैं रत्नों को, ट्रिंकेट्स एंड वर्थलेस थिंग्स, जबकि मैं केवल मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मैं केवल मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मैं मेहनत पे भरोसा करता हूँ, मैं केवल मेहनत पे भरोसा करता हूँ। आई ओनली रिलाय ऑन मेहनत, हार्डवर्क को उठाओ, उसका काम ही नहीं है, बाय बाय करो उसको। डिलीजेंस, डिलीजेंस नाउन के रूप में आएगा, डिलीजेंट होता है मेहनती और डिलीजेंस होता है नाउन। तो आपने कहा टुडे मोलेस्टेशन इज ए बर्निंग एंड ग्रेव प्रॉब्लम ऑफ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी एंड कंट्री। दिस आउलिश प्रॉब्लम, आउल कहते हैं उल्लू को, तीन चार पक्षी हमारे ISH के रूप में काम आएंगे, आउलिश उसी का एक पार्ट है। आउल कहते हैं उल्लू को, ISH लगाते गंभीर कर गया। इज स्टिग्मेटाइजिंग वर्ब का रूप ले रही है, स्टिग्मेटाइजिंग द एंटायर ह्यूमन रेस और ईच वुमेन स्केयर। ईच की ग्रामर क्या कहती है जल्दी बता दो, ईच के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा हमेशा बोला है, चाहे कुछ भी कहानी करे ये ऑफ के साथ आए चाहे बिना ऑफ के साथ आए। ईच वुमेन स्केयर, स्केल का मतलब वर्ब के रूप में लांघना, लांघने का, जो लक्ष्मण सीता जी ने डिमार्केशन ऑफ मोनेस्टी को लांघा था, यानी मर्यादा की रेखा को लांघना, स्केल थ्रेशोल्ड आपकी दहलीज वो वाली। ऑफ हाउस, स्टेप आउट एक फ्रेजल वर्ब है, बाहर जाने को स्टेप आउट, अंदर आने को स्टेप इन, और एक कहानी और बन रही है यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप। वो क्या कहती है अभी देखते हैं, अकिन टू ऑर्डियल, अग्नि परीक्षा, शी हैज टू पुट हर डिग्निटी एंड डिकोरम इन टू डॉक, और लास्ट में शी हैज टू, एक रूल है, मजबूरी है, प्रूव है वुमेन्स एस्टीम, एक औरत का सम्मान, ऑन एज ऑफ सॉर्ड, तलवार की धार पर। बोलते बोलते एक नॉलेज और आई, स्टेप अप, इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ पर मैं दो फ्रेजल वर्ब ले रहा हूँ, स्टेप अप और बीफ अप, स्टेप अप और बीफ अप, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में रोटेशन लेने को तैयार बैठी रहती है। इन दोनों फ्रेजल वर्ब का प्रयोग तभी होता है जब 15 अगस्त आती है या 26 जनवरी आती है, यानी या कोई VIP हमारी कंट्री में आता है, फ्रांस का राष्ट्रपति या कोई भी पर्सन VIP होगा वो हमारे कंट्री में आएगा, उससे पहले वाले, जिस दिन वो आएगा उससे पहले वाले न्यूज़पेपर में ये दोनों फ्रेजल वर्ब अपना रुतबा दिखाने उतरती जरूर है। तो इसका यूज़ होता है सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को जब भी बढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपका एक ही वर्ड आएगा, स्टेप अप और बीफ अप, प्रिंट कर लेना। सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो आप यूज करेंगे वो यूज करेंगे स्टेप अप और बीफ अप। बीफ गाय के मांस को कहते हैं एज ए नाउन, इसको भी यूज करेंगे लिचलों में, इसीलिए दोस्ती करना जरूरी है। गाय का जो मांस होता है वो बीफ कहलाता है, और बीफ एज ए वर्ब, जब ये वर्ब का काम करती है तो इसका मतलब होता है शिकायत करना, मतलब नॉलेज देने का मतलब है वहां तक जाओ जहां जाने की कोई सोच ही ना सके, तब आपके नॉलेज देने का मतलब है। बीफ का मतलब एज ए वर्ब शिकायत करना, मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत कर रहा हूं, आई एम बीफिंग अगेंस्ट माई नेबर ड्यू टू हिज शेडी एक्टिविटीज, ड्यू टू हिज इलीगल एक्टिविटीज। आइए मूव करते हैं, पूरे सरकार और मीडिया का दुष्प्रभाव इस गंभीर समस्या में, बुरे संस्कार
और मीडिया का दुष्प्रभाव। इस गंभीर समस्या में आदमी घी का काम करता है। बुलाइए बुरे संस्कारों को, आपने शुरू किया है उसी तरह आप ही खत्म करेंगे। इन सैक्रामेंट्स, सैक्रामेंट्स कहते हैं संस्कार को, इसीलिए कहते हैं हमारे बच्चों को अच्छे सैक्रामेंट देने चाहिए। सैक्रामेंटेड पर्सन अलग ही नजर आता है। एंड अपराध का कारण ही इन सैक्रामेंट है, अपराध का कारण कुछ नहीं है, संस्कारों में डिपेंड है सारी कहानी, इन सैक्रामेंट्स। अब ये जो कलकत्ता में डॉक्टर भी थे तो इनके कहीं ना कहीं इन सैक्रामेंट जरूर थे, ये डॉक्टर बन गए पढ़कर, लेकिन अपराधी मानसिकता कहीं ना कहीं काम कर रही थी। इन सैक्रामेंट्स एंड मीडिया का दुष्प्रभाव, यानी जो मीडिया इंटरनेट आजकल बहुत ओपन हो गया, इसको बात करेंगे इसके सेक्टर में। इम्पीज ऑफ मीडिया, इम्पीज का मतलब होता है दुष्प्रभाव, इम्पीज यानी बुरा प्रभाव। अब आप इसको बैड इफेक्ट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बुरा प्रभाव। इम्पीज, इम्पैक्ट होता है अच्छा प्रभाव, इम्पीज होता है बुरा प्रभाव, इसी का अपोजिट भी लिख लो। इम्पैक्ट कहते थे क्या क्या इम्पैक्ट रहा, इम्पैक्ट का मतलब गुड इफेक्ट, इम्पीज का मतलब बैड इफेक्ट। अच्छा प्रभाव कहलाता है आपका इम्पैक्ट। इन सैक्रामेंट्स एंड इम्पीज ऑफ मीडिया क्या करती है, आग में घी का काम करती है, यानी और मामले को भड़काती है इस गंभीर समस्या में। एड फ्यूल टू द फायर, सीधी फ्रेज को यूज करना पड़ेगा, इसके बाद इसके अलावा आपके पास अल्टरनेट है नहीं, या फिर इसको गायब करना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट का गला अपने हाथों से घोटना पड़ेगा। एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना, मीडिया यही करता है। यदि अभी मीडिया नहीं होता तो कलकत्ता का जो रेप केस हो सकता है इतना हाइप नहीं होता, क्योंकि प्रिंट मीडिया उतना इफेक्ट नहीं कर पाता जो डिजिटल मीडिया करता है, वो तो देखते हैं ना हमारी इफेक्ट आता है। इन सैक्रामेंट्स एंड इम्पीज ऑफ मीडिया एड फ्यूल टू द फायर, कहाँ, इस गंभीर समस्या में। फिर एक तीसरा गंभीर पैदा हो गया, इन दिस फिर तीसरे गंभीर को बुलाओ, जब तक है तब तक बुलाओ, वो कहते अब है ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म। सलम प्रॉब्लम, इसको सलम बोलेंगे, सलम प्रॉब्लम, इसका प्रोनंसिएशन में एन नहीं आता है, इसका प्रोनंसिएशन सलम होगा। सलम हो गया, ग्रेव हो गया, गंभीर समस्या आउलिश हो गया, सीरियस आपको आता है, कभी चौथे की जरूरत पड़ जाए तो उसको भी बुला लेंगे, अभी तो जरूरत है नहीं। इन सैक्रामेंट एंड इम्पीज ऑफ मीडिया एड फ्यूल टू द फायर इन दिस सलम प्रॉब्लम, इस गंभीर समस्या में आग में घी का काम करती है। इस सैक्रामेंट सबसे बड़ा रीजन, यदि अच्छे संस्कार हैं तो मीडिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इन सैक्रामेंट में यदि मीडिया, इम्पीज ऑफ मीडिया आ गया तो और आग में घी का काम, एड फ्यूल टू द फायर इन दिस सलम प्रॉब्लम, और एक लड़की की मर्यादा को ठेस पहुंचाकर वे अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं। एक लड़की की मर्यादा को ठेस पहुंचाकर, यहां से हैविंग से वाक्य शुरू होगा, हैविंग ठेस पहुंचाकर, मल्टीफाइड कर दो ठेस पहुंचाना, मल्टीफाइड, एक औरत की मर्यादा को, हैविंग का यूज किया है अभी, मैं और क्लियर करता हूं, एक लड़की की मर्यादा को ठेस पहुंचाकर, हैविंग मल्टीफाई ए गर्ल्स डिग्निटी या मॉडेस्टी, मॉडेस्टी अच्छा वर्ड है, डिग्निटी इज्जत है, तो मॉडेस्टी मर्यादा है, मर्यादा को बोलेंगे मॉडेस्टी। हैवी का यूज क्या होता है, जब आप कोई काम कर लेते हैं, ठेस पहुंचाना ये वर्ब है, कुछ भी कर लो, जैसे अभी की बात ले लो, सर मैंने दूध पी के नाश्ता किया, तो दूध पीकर हैविंग ड्रंक आ जाएगा, या नाश्ता करके दूध पिया तो हैविंग ईटन। जो काम आपने पहले किया वो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। घर में घुसकर उन्होंने गोली मारी, तो पहले वो घर में घुसेंगे हैविंग के साथ, गोली मारकर वो घर में घुसे तो पहले गोली जाएगी हैविंग के साथ। इस वर्ड को ग्रामर की लैंग्वेज में परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, इसका भी लिखने में बहुत शानदार यूज होता है, लेकिन लोग जानते नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, जिसका यूज होता है एक काम को पूरा दिखाता है। ये FIR में बहुत यूज होता है, अगर FIR हिंदी में आती है हमारे तो, लेकिन यदि उसे आपको इंग्लिश में लिखना पड़े या इंग्लिश में समझना पड़े तो ये FIR में बहुत यूज होता है। घर में घुसकर उन्होंने गोली मारी,
जैसे गोगा मेरी को घर में घुसकर गोली मारी, तो हैविंग एंटर्ड हिज हाउस दे शॉट एट गोगा मेरी, पहले घर में घुसे या पहले बातचीत की, बातचीत करके गोली मारी, जो भी किया उन्होंने, मतलब गोली मारने के पहले का एक्शन वो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, इसको बार बार यूज करेंगे आपके ब्लड का पार्ट बनेगा। हैविंग मॉडिफाइड ए गर्ल्स मॉडेस्टी, एक लड़की की मर्यादा को ठेस पहुंचाकर वे अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हैं कि देखो हम कितने सैक्रामेंटेड हैं। देते हैं दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इंट्रोड्यूस, दे इंट्रोड्यूस, दे इंट्रोड्यूस, यहाँ पर इंट्रोड्यूस बहुत खतरनाक रोल निभा रहा है। क्यों निभा रहा है अभी आपको बता देता हूं मैं। देमसेल्फ, यहाँ पर ये इसकी कहानी, यदि इसको आप बिना इसके लिखते हो ग्रामर वोल्यूशन पर आएगी। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, दियर ऊंची मानसिकता, दियर नैरो मेंटेलिटी भी कह सकते हैं, दियर पैरोकियल मेंटेलिटी भी कह सकते हैं। जो वर्ड पहले याद आ जाए वही आपकी राइटिंग का पार्ट बनेगा, मेंटेलिटी। लेकिन भंडारा इतना जबरदस्त होना चाहिए, रिजर्वोर होना चाहिए ज्ञान का, थोड़े बहुत ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ओछी मानसिकता, एक लड़की जा रही है उसे ल्यूड का वो कर दिया कमेंट, क्या मिला, सिर्फ ओछी मानसिकता है उसकी तरफ, और इंडिसेंट जेस्चर या पोस्चर कर दिए, क्या मिला। यदि कोई भी मेल एक फीमेल के साथ एक कर्सी के मैनर में रहता है या एक डिसेंट मैनर में रहता है, चाहे वो कलीग हो या कोई भी रिलेशन हो, तो वो उसकी तहे दिल से इज्जत करती है कि साहब मेरा बॉस देखो कितना डिसेंट है या कितना जो है कर्सी है इस इंसान में, वो इज्जत करेगी और वो ऐसा कोई एक्ट करेगा जो एक औरत की मर्यादा को इंडिसेंट डिफाइन करता है, तो वो उसकी इज्जत तो नहीं करेगी। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, इंट्रोड्यूस कहीं पर भी आ जाए उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर आता है, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ होता है। यदि हम यहाँ पर देमसेल्फ नहीं लिखते तो ये ग्रामेटिकल वॉयलेशन रहता हमेशा के लिए, वो एक अलग मैटर है कि कोई इस पर ध्यान दे या ना दे, इंट्रोड्यूस के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं सेल्फ या सेल्फ वाले वर्ड इंट्रोड्यूस के साथ हमेशा, ये 13 भाई बहन एक साथ बात करेंगे कभी, के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रोनाउन आएगा। इसीलिए कहा जाता है यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप का परिचय दो। ही शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, शी शुड इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, यानी शी आएगा तो हर सेल्फ, आई आएगा तो माई सेल्फ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और यहाँ पर ये 13 वर्ड हैं, 13 भाई बहन हैं, जिनको आप विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो ग्रामर का 100% वॉयलेशन होता है, 100% वॉयलेशन होता है। वो 13 वर्ड कौन से एक फॉर्मूले में लेके आएंगे कि इन वर्ड के साथ आप बोलते हो सर मैं कल एबसेंट रहूंगा तो आई विल एबसेंट माई सेल्फ आएगा, कल मैं प्रेजेंट रहूंगा तो आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ आएगा। प्रेजेंट और एब्सेंट भी इसी बिरादरी का वर्ड है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिना नहीं आता। ग्रामर छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर बनी होती है, लोग सतही पढ़ते हैं सतही पढ़ाते हैं, उससे काम नहीं चलेगा, चलेगा तो फेल होने वाला तो चलेगा, पास होने वाला नहीं चलेगा। आगे, कोई औरत एक भोग वासना की वस्तु नहीं होती, बहुत प्यारा हिंदी में लाइन, कोई औरत भोग वासना की वस्तु नहीं होती। एनी वूमेन, जैसे इन्होंने समझा कलकत्ता वालों ने निर्भया को समझा, हम प्रहार कर रहे हैं आज की मेंटेलिटी पर। एनी वूमेन इज नॉट ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड से करवाने जा रहा हूँ, भोग वासना, यानी प्योर हिंदी का वर्ड। ये जो रेप केसेज हो रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट के कारण हो रहे हैं। एनी वुमेन इज नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ कार्नल प्लेजर, इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत खूबसूरत वर्ड है, नॉट ए ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, एन आएगा यहाँ पर क्योंकि ओ आ रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ कार्नल प्लेजर। अपराध के दो ही रीजन होते हैं दुनिया में, याद रख लेना, कार्नल प्लेजर, या तो कार्नल प्लेजर काम करता है, जो भवरी देवी मर्डर केस था कार्नल प्लेजर था, निर्भया केस था कार्नल प्लेजर का रिजल्ट है, आयुषी मर्डर केस कार्नल प्लेजर का रिजल्ट है,
और भी दुनिया भर के जो पढ़ते हैं डेली, रोज आ जाएगा, कल फिर कोई आ जाएगा, निर्भया का केस कार्नल प्लेजर है। इसी के साथ एक वर्ड और पैदा होता है, रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरत होती है उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, कभी कभी वो भी अपराध कर जाता है, उसे कहते हैं कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल नीड्स। कॉर्पोरियल नीड्स का मतलब होता है रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत। कभी कभी ये भी अपराध का रीजन बनता है, रोटी कपड़ा और तीनों आ गए, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत। अब इसको ट्रांसलेशन करके देखो कितने दिन लगेंगे, फिर भी गलत। देयर इज नीड ऑफ आई थिंक चपाती कोमा क्लोथ एंड हाउस, कितना बुरा लग रहा है वो प्रेजेंटेशन। देयर इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट नीड्स, हर इंसान को जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट नीड्स की जरूरत है, एवरी पर्सन रिक्वायर कॉर्पोरियल नीड्स। वन वर्ड में आपने कन्वर्ट किया, आपके सेंटेंस और प्रेजेंटेशन में जान आ गई, आग आ गई। अब उसको ट्रांसलेशन करके देखो, एवरी पर्सन रिक्वायर्ड चपाती कोमा क्लोथ एंड हाउस। अब देख लो, खुद ही देख लो उसकी जरूरत है कि इसकी जरूरत है। या मर्सिडी चल रही है, नेचुरल है, मर्सिडी में बैठेगा, मारुति वाले डब्बे में कौन बैठेगा, जाहिर सी बात है। मर्सिडीज भी चार पहिए होते हैं, ओडी के भी चार पहिए होते हैं, जगुआर के भी चार पहिए होते हैं, पर वो चलती है रोड पर तो लगता है कुछ जा रहा है, बाकी डब्बे तो जा ही रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर, आइए वापस। एनी वुमेन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कार्नल प्लेजर, प्रहार कर रहे हैं आज की इस मानसिकता पर, जो रेप केसेस की बाढ़ आ रही है उसी पर हमारा प्रहार है। आगे चलिए, जबकि वह पूरे समाज के लिए इज्जत का दर्पण होती है। क्या खूबसूरत पंचिंग लाइन है, देखिए आप, वाइल कंजक्शन लगाइए, वाइल शी इज, वाइल शी इज, पूरी इज्जत, पूरे समाज के लिए इज्जत का दर्पण होती है। यदि उसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नारी किसी भी रूप में वो इज्जत का दर्पण होती है, लेकिन उसको घर में प्रेस्टीज नहीं मिलती। शी इज ए मिरर ऑफ, वो दर्पण होती है, मिरर ऑफ, शी इज मिरर ऑफ, वो दर्पण होती है, वो आईना होती है, मिरर ऑफ एस्टीम, डिग्निटी, कुछ भी डिग्निटी फॉर द एंटायर सोसाइटी। लिखने पर बहुत अच्छी मेहनत करो, यदि सिलेक्शन आपका टारगेट है, हिंदी इंग्लिश में क्लच कर लो, फॉर द एंटायर सोसाइटी। और अपने प्रेजेंटेशन का यही फायदा, आपकी दोनों लैंग्वेज शानदार हो जाएगी। तो आ सकता है कुछ भी ऐसा, कॉर्नर स्टोन होती है, नीम का पत्थर होती है, दर्पण होती है, आधारशिला होती है, पोल स्टार होती है, ओशियन होती है, कोई सा भी पॉजिटिव वर्ड जो पैदा हो जाए वो यहाँ पर यूज करो, लेकिन लेना कुछ ऐसा वर्ड है जो वहां पर आग पैदा कर दे, जहां पर वाइब्रेशन पैदा कर दे कि बंदे ने कुछ किया है, यानी मेहनत नजर आती है। मेहनत शुरू की दो लाइनें पढ़ते समझ में आ जाती है, कॉपी कहाँ जाएगी, अदरवाइज तो वर्बटिज्म तो चल ही रहा है, कॉपी भरी जा रही है, लिख देंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जो नंबर बढ़ने से वो कॉपी में वो ये कंटेंट बढ़ने से नंबर दे देगा। यहाँ पर शुरू की दो लाइनें ही आपका वो कर देती है कि हाँ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, आप ये लाइन शो कर देगी। तो आइए एक बार रिपीटेशन लेते हैं कंटेंट का, वॉकैप का, इन सैक्रामेंट एंड इमेज ऑफ मीडिया एड फ्यूल टू द फायर, बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार, साउंड सैक्रामेंट, बुरे संस्कार, इन सैक्रामेंट, इमेज ऑफ मीडिया, बुरा प्रभाव, इमेज, अच्छा प्रभाव, इम्पैक्ट, एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालता है, इन द सलम प्रॉब्लम, सलम के आपने तीन वर्ड किए, सलम किया, अवलिश किया, ग्रेव किया, सीरियस आपको आता है, जाने दो। हैविंग क्या कहानी है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कहती है कि यहाँ पर जब कोई काम आप करके करते हो, खाना खा के पानी पिया, पानी पी के खाना खाया, खाना खाकर जो है हमने जो है कपड़ों को प्रेस की, कपड़ों को प्रेस करके हम ऑफिस गए, जो भी आपने पहला काम किया वो हैविंग के साथ किया। गाड़ी को बाहर पार्क करके हमने इंस्टीट्यूट में एंटर किया, हैविंग पार्क्ड आवर कार, आवर टू व्हीलर, आवर व्हीकल, एनी, वी हैव स्टेप्ड इन आवर इंस्टीट्यूट, हमने इस ऐसे को लिखकर टेंस को डिस्कशन करेंगे, जो भी करके, दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ, इंट्रोड्यूस में फिर ग्रामर ऑफ पॉइंट कि अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है, बोले अकेला है क्या, बोले नहीं 13 वर्ड हैं, क्या 13 वर्ड हैं, वक्त आने पर डिस्कस करेंगे, आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, रिया का होल स्क्वायर, जो आईपी जो डीएसपी है, जो आईपीसी पड़ती है, यहाँ पर टोटल 13 वर्ड लेंगे जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये हमारा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है इंग्लिश के
परिपेक्ष में। रिया का होल स्क्वायर 7 वर्ड है, यहाँ पर डीएसपी 3 वर्ड है, 7 और 3 10, और आईपीसी में 3 वर्ड है। टोटल इसमें से 13 वर्ड में से यदि आपका कोई भी वर्ड एग्जाम में लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो ये बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वर्ड कभी नहीं आएंगे। इंट्रोड्यूस इसकी प्रजाति का, इनकी बारात का एक वर्ड है। डियर पैरोकियल मेंटेलिटी, उनकी छोटी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता, ओछी मानसिकता जो है क्या करती है, ये सब परिचय देते हैं, वो शो करते हैं, वो एग्जिबिट करते हैं, वो दिखाते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी जो वर्ड इस बारात का है वो कोई सा उठा लेना। एनी वूमेन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कार्नल प्लेजर, कार्नल प्लेजर एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स ए वूमेन नॉन इज एज कार्नल प्लेजर, लस्ट भी कहते हैं इसको, कार्नल प्लेजर भी कहते हैं, क्योंकि प्योर हिंदी का वर्ड टकर आ रहा है भोगवासना, सीधा जाएगा कार्नल प्लेजर के पास, और इसी से मिलता जुलता वर्ड है कॉर्पोरियल लीड्स, क्योंकि दोनों को कंबाइन करेंगे आप। कार्नल प्लेजर एंड कॉर्पोरियल लीड्स आर रूडिमेंटरी रीजन ऑफ सॉरी क्राइम्स, वो रोटी कपड़ा और मकान की जो जरूरत है वो भी अपराध करवा देती है, और कार्नल प्लेजर तो अपराध करवा ही रहा है, कंटिन्यूटी में रोज न्यूज़पेपर, कंटिन्यूटी में राय विथ हैं। व्हाइल शी इज़ ए मिरर ऑफ डिग्निटी फॉर द एंटायर सोसाइटी, जबकि वो पूरे समाज के लिए इज्जत का दर्पण, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013, या मोलेस्टेशन विद द वुमेन, या रीजन ऑफ रेप केसेस, या फ्लड ऑफ द रेप केसेस, या डिग्निटी ऑफ ए वुमेन इन क्वेश्चन मार्क, कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे का नाम, ऐसे का टाइटल किसी भी वे में लेके आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हम जो सोच रहे हैं वो इसका वे हो, उसका वे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यदि हमारे कंटेंट हमारे पास हैं तो देखते हैं, और आने वाली 1 तारीख को इस चीज़ का प्रूफ मिल जाएगा कि जितने अपन ऐसे करवा रहे हैं, मेरा तो भरोसा है हिंदी और इंग्लिश में सारे ऐसे जो मैं कवर करवा के जा रहा किए करवा रहा हूँ वो सारे के सारे आएंगे, फिर देखते हैं उसका जो मेंटल लेवल है और मेरा जो मेंटल लेवल है क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, देखते हैं। क्लियर यहाँ तक? कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? पढ़ो, पढ़ोगे तो बेनिफिट में रहोगे। इल सैक्रामेंट एंड इम्पीच ऑफ मीडिया एड फ्यूल टू द फायर, आपकी एक फ्रेज है आग में घी डालना, फायर से पहले कौन सी फ्रेज की थी, क्या ग्रामेटिकल पावर था, फायर हमारे पहले क्या काम आई थी और उसका क्या जीपी था, क्या ग्रामेटिकल पावर था, याद करो फायर को। हमें तैयारी भी करनी है तो उल्टे मोड में करनी है, जिस मोड में सीधा सीधा यूज नहीं करना है, दिमाग को परेशान करना है। फायर इससे पहले हमारे क्या काम आई थी, क्या उसका जीपी था, जीपी का मतलब ग्रामेटिकल पावर क्या थी, फायर इससे पहले क्या काम आया था, फायर एज ए वर्ब काम करेगा तो क्या इसका मीन होगा, स्टेप आउट, फायर एज ए वर्ब काम करेगी तो क्या आएगा, जैसे मैं कहूँ यू आर फायर्ड, क्या बोल दिया मैंने आपको, मैंने आपको बोला यू आर फायर्ड, यस, ऐसे कुछ नहीं था, ऐसा था कन्फर्मेशन पे आओ, क्या था, सेट ऑफ फायर था कि सेट ऑन फायर था, सेट ऑन फायर, क्या जीपीएस की ग्रामेटिकल पावर कहां परेशान करेगी, कहां क्वेश्चन बना जाएगी, ये क्वेश्चन कहां बनाएगी, सेट की तीनों फॉर्म सेट होती है, सेटेड भी होती है, सेट होती है, ये कहां परेशान करेगी, ये फ्रेज आने की संभावना, ये पेपर में कहां रुतबा दिखा सकती है, बोलो, सेट ऑन फायर में फायर से पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, ये कम से कम 15 बार क्वेश्चन बना चुकी है, 0 आर्टिकल आएगा, गलती देखो वहां वहां आपका जिसे कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, यहाँ दय होता है, यहाँ दय और कर देना, यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ फायर पहले से है, इस फेज में दय आएगा, नहीं लगा उसको तो चलेगा, ये पूछता भी नहीं है, क्वेश्चन बनेगा सेट ऑन फायर, यहाँ पर फायर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। मैंने बोला यू आर फायर्ड ड्यू टू योर लैक्सिटी एंड अपैथी, क्या बोल गया मैं, यू आर फायर्ड ड्यू टू योर लैक्सिटी एंड अपैथी, थोड़ा हिंट और बढ़ा दिया मैंने आपको, कहां से निष्कासित, कहां से, रूम से, जॉब से, ठीक है, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है आपकी लापरवाही और उदासीनता के कारण, तो फायर का मतलब नौकरी से निकालना, इसके 2 सिमिलर वर्ड बताओ जल्दी से, लेथार्जिक तो आलसी हुआ, फायर के सिमिलर वर्ड नौकरी निकालेंगे परिपेक्ष में, एक तो सैक था, बिल्कुल ठीक है, आपने फॉर्मूला डाला था
सैफ, सैफ को नौकरी से निकाला था, सैक एक्स और फायर तीनों का मतलब होता है नौकरी से निकालना, नौकरी से निकालना। एक फिल्म में संजीव कुमार कहता है यू आर सैक्ड, अपने असिस्टेंट को, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है क्योंकि तू गवर्न करते हो मेरे यहाँ पर, तो यू आर सैक्ड ड्यू टू एम्बेजलमेंट लगा दो, डेफलकेशन लगा दो। एम्बेजलमेंट तो आईपीसी का वर्ड है या बीएनएस का वर्ड हो गया, अब तो नौकरी से निकालना सैफ हो गया, सैक एक्स और फायर। एक्स को यूज करते हुए कोई फ्रेज बनाइए, एक्स को यूज करते हुए किसी फ्रेज का निर्माण करिए जिसका मतलब होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। इतना हिंट दे दिया मैंने आपको, नॉलेज को उल्टा घुमाया करो, रिवर्स में। आपने देखा करो पार्क में दो लोगों के सीधे चलते हैं उल्टे चलते हैं, फायदा किस में ज्यादा होता है? पार्क में वॉक करने जाते हो ना, दो लोग होते हैं तो सीधे चलते हैं, एक देखा करो रिवर्स में चलते हैं, वो क्या फायदा होता? वो ऐसा क्यों, वो रिवर्स में चलते का फायदा क्यों? कई लोग तो सीधे चलते हैं, कई लोग जोरदार उल्टे चलते हैं, मैं तो दौड़ लेता हूँ उल्टा, ऐसा क्यों? रिवर्स, आप सीधे 10 चक्कर लगाओ, रिवर्स में आप 1 चक्कर लगा के देखना, बॉडी अपने आप ही बता देगी रिवर्स क्यों चलना चाहिए। और ये बॉडी मतलब आपका जो कंसेंट्रेशन पावर है ना, बॉडी पूरा उल्टा, मतलब मैं कह रहा हूँ ना सीधा चलो 10 चक्कर, उल्टा चलो 1 चक्कर, 1 चक्कर पूरा होने के बाद अपनी बॉडी से पूछना क्या बेनिफिट हुआ, इसलिए रिवर्स में चलो, वही नॉलेज का काम है। तो मैंने आपसे पूछा कि फायर को यूज करते हुए आपको एक फ्रेज बनानी है जिसका मतलब होगा काम निकाल लेना, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं। हाँ बोलो। राजनेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये सेंटेंस बना दो। राजनेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, क्या सेंटेंस बनेगा? फिर आपका सेंटेंस लड़खड़ा रहा है, इतना लंबा क्यों जा रहे हो आप? आपने कहा था पॉलिटिशियन, फिर क्या बोला? मेक्स प्रॉफिट कैसे आएगा? बाय बिफूलिंग। पहले तो ये बनाओ कि राजनेता लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये हमारा मेन सेंटेंस है, तो आपका मेन सेंटेंस को बुलाओ। द पॉलिटिशियंस बहुवचन है, नेचुरल है, विवन आएगा, पॉलिटिशियंस मेक्स की जरूरत ही नहीं है, सीधा बेवकूफ बनाने की वर्ब को बुला लो ना। बीफूल, बीफूलिंग क्यों आएगा? बनाते हैं, बनाते के लिए बीफूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीफूल। राजनेता बेवकूफ बनाते हैं किसको? लोगों को, द पीपल। हो गया कार्यक्रम, सब्जेक्ट आ गया, इसने इसकी वर्ब को खींच दिया वी वन के रूप में, इसने ऑब्जेक्ट को बुला लिया, हो गया कार्यक्रम। हमें डॉटर नहीं करना, देखो फ्रेमिंग करते समय एक चीज याद ना, सेंटेंस डॉटरिंग ना करने लग जाए, और डॉटरिंग कब करेगा? जब हमें प्रॉपर जंपलिंग नहीं आती है तब वो डॉटर करेगा। मैंने कल भी एक बात कही थी, यदि आप अपने ज्ञान को जीते हो ना, आपको वहां पर एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एफर्ट कौन करता है? जो ज्ञान को जीकर नहीं आया, सतही तौर पर पढ़ा, सतही तौर ड्रामा, इसको ड्रामा कहता हूं मैं, पढ़ने का ड्रामा, पढ़ने का ड्रामा और पढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर मैंने अभी बोला ना, सिलेक्शन एग्जाम से पहले हो जाता है, सिलेक्शन एग्जाम से पहले हो जाता है। इस समय जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ट्रेनिंग में बतौर, मतलब इस समय वहां पर जो मेरे पुराने स्टूडेंट है, जो काफी 10 लोग आरजेएस इंटरव्यू देंगे, 10 पीपल कम से कम, जो मेरे से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस हो गया पढ़ने का, एक आधी बार इंटरव्यू भी देकर आए हैं वो 10 लोग। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे कोई मैनिफेस्टेशन करना है, मेहनत बोलती है वो चीज, आपको भी डेवलप करने की, आपको ज्ञान को इन्फ्यूज करना है, उसको जीना है किस हर तरीके से, कि कोई कुछ भी पूछे, कुछ भी आपके पास जवाब होना चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक, आइदर वो लॉ का हो, आइदर वो इंग्लिश का हो, आइदर वो इंटरनेशनल जीके का हो, कोई भी टॉपिक आपसे पूछे तो उसका तुरंत आपके पास ऐसा खतरनाक जवाब होना चाहिए कि इंटरव्यूअर भी सोचे। इंटरव्यूअर्स को तो कुछ नहीं आता, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और आता है नहीं आता वो भी मैटर नहीं है, लेकिन वो आपका जवाब सुनकर रह जाएगी, काश इसका आंसर मेरे को इस तरीके से पता होता, इस तरीके से मेरे को ये पता होता। वो आपका सबसे सटीक चीज है। जैसे आईएएस में क्या इंटरव्यू है, वो सुन रहा था, पूरा तो नहीं सुन पाया, एक इंसान ने हॉबी लिखी, मुझे क्या पसंद है, चाचा चौधरी या कुछ कार्टून का पसंद है, उससे यही क्वेश्चन पूछा, मुझे पूछेगा जरूर, लेकिन वो मैडम बता रही थी कि इसने इसका इतना गजब आंसर दिया उस आईएएस एस्पिरेंट ने, कि सुनकर उसको भी उम्मीद नहीं थी ऐसा आंसर देगा। उसे पता था मैं ऐसा लिखूंगा उठपटांग कि मुझे चाचा चौधरी या कार्टून कोई वो आता था, मुझे वो पसंद है, उसे पता था क्वेश्चन ये पुटअप होगा,
उस पॉइंट को अच्छे से तैयार करके गया, अच्छे से तैयार करके गया। ये कुछ चीजें होती है, आपके नाम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ योर नेम, व्हाट इज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन को विशेष घटना हुई थी क्या, ये सब चीजें आपको अभी से डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे। आप सोचते हैं इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में थोड़ी होती है, इंटरव्यू की तैयारी तो बिट बाई बिट प्रोसेस है जो आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा अपने ज्ञान के साथ। आप सोचते हो रिटर्न पेपर अलग है, इंटरव्यू अलग है, नहीं भैया सब कंबाइंड है, वो तो अभी से आप डेवलप। तो हमारा सेंटेंस था, द पॉलिटिशियन बिफूल द पीपल, काहे के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, टू ग्राइंड हिज ऑन एक्स, ये थी आपकी फ्रेज, ग्राइंड हिज ऑन एक्स। ग्राइंड का मतलब पता है ना, धार लगाना, धार लगाने को कहते हैं ग्राइंड, इसीलिए तो अपने मिक्सी में वो ग्राइंडर होता है जो पीस देता है। तो अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने का मतलब है ग्राइंड हिज ऑन एक्स। अब आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, द पॉलिटिशियन बिफूल द पीपल टू ग्राइंड हिज ऑन एक्स, ग्राइंड हिज ऑन एक्स, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इससे मिलती जुलती फ्रेज बताओ, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, कोई दूसरी फ्रेज ये हो गई पुरानी या ये काम में आ गई, कोई दूसरी फ्रेज अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने के लिए पंख को याद करो, फेदर डियर ऑन नेस्ट, फेदर, फेदर यानी पंख, अपने घोंसले में पंख लगाना, फेदर योवर कर लो, माई कर लो, फेदर योवर ऑन नेस्ट, नेस्ट कहते हैं घोंसले को, घोंसले को कहते हैं नेस्ट, चिड़िया का हो सकता है, फेदर होता है पंख। अपने घोंसले में पंख लगाने का मतलब है अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और यहां पर नेस्ट को भी पकड़ लो, नेस्ट को यदि मैंने कह दिया कुकूज नेस्ट, कुकूज, कुकूज नेस्ट, तो क्या मतलब हो जाएगा। मैं कहता हूँ नॉलेज तो बहुत भयानक लो, बहुत फॉर्मिडेबल नॉलेज लो कि सामने वाला डायनामाइट खत्म। कुकूज नेस्ट, कुकूज नेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए मेहमान, जिस पर एक फिल्म भी आई थी अतिथि देवोभव, अजय देवगन और परेश रावल की, बिन बुलाया मेहमान कुकूज नेस्ट कहलाता है, बिन बुलाया मेहमान, दिस इज कुकूज नेस्ट, कुकूज नेस्ट कहते हैं आपका बिन बुलाया मेहमान। फेदर योर नेस्ट को पकड़ रखा है अपने, नेस्ट कहानी मतलब इतनी जनरेट कर दो अपनी तरफ से कि खतरनाक मोड ले ले वो, खतरनाक चीजों से सब डरता है, एग्जाम भी खतरनाक लोगों से डरता है, सीधे साधों को तो वो भी कहता है नहीं भैया नहीं है। और फेदर से को लिख दिया मैंने, शो वाइट फेदर, शो वाइट, ये बोर्ड को देख लेना, सफेद पंख, शो वाइट फेदर, फेदर को फिर उछाल लिया। जब तक यूज करो आप किसी वर्ड को, किसी नॉलेज को, जब तक वो अपना अंतिम प्रेजेंटेशन आपको ना सौंप दे, शो वाइट फेदर, कोई आइडिया इसके बारे में, सफेद पंख दिखा रहे हैं किसको, शो वाइट फेदर। आपने देखा होगा जब भी कभी युद्ध होता है, वॉर होता है, एक फिल्म आई थी जमीन अजय देवगन की, उसमें एक तरफ टेररिस्ट होते हैं, एक तरफ आर्मी होती है, आर्मी और इन दोनों में शेलिंग चल रही होती है, शेलिंग का मतलब होता है गोलाबारी, टेररिस्ट क्या प्लॉय करते हैं, क्या चाल करते हैं, ये सफेद कबूतर छोड़ देते हैं, सफेद कबूतर वहां से छोड़ देते हैं, आर्मी सोचती है ये समर्पण करेंगे, ये शेलिंग को बंद कर देते हैं, उसको सीज कर देते हैं, जैसे ही सीज करते हैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में आते हैं, ये वापस से शेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है शो वाइट फेदर, यानी कायरता दिखाना, यानी समर्पण करना, संधि करना कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, समर्पण कर देना, युद्ध का है, समर्पण करना, ये युद्ध का है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, आई एम शोइंग द वाइट फेदर, जैसे करगिल में सरेंडर किया था उन लोगों ने, शो वाइट फेदर, सफेद कबूतर छोड़ देना, सफेद पंख दिखा देना, या सफेद कपड़ा, सफेद झंडा दिखा देना, ये सब की सब कहानी क्या कहलाती है, शो वाइट फेदर। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, एक्स से गए नेस्ट के पास, नेस्ट से गए यहाँ पर, कहानी कहाँ खत्म होती है खुद को पता नहीं है, शो वाइट फेदर। नेस्ट कहते हैं आपका घोंसला, और नेस्ट का एक और वर्ड है हाइव, हाइव भी कहते हैं घोंसले को, घोंसले को भी हाइव कहते हैं, उससे भी एक ले लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी करके हाइव, कल भी बी काम आई थी, क्या काम आई थी, बी,
पी डबल ई बी कल हमारी क्या काम आई थी? बी कहते हैं मधुमक्खी को। यस बी बी छोट रास्ता बी लाइन पाथ। ये राजेश खन्ना की डेथ हुई थी तब यूज हुआ था। इ द पीपल मेड बी लाइन पाथ। बी लाइन पाथ को कौन यूज करता है? एम्बुलेंस। बी लाइन पाथ को एम्बुलेंस यूज करती है। हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, हम भी यूज करते हैं बी लाइन पाथ। या कभी कभी पेट्रोल थोड़ा बचाना हो तो हम भी गांव के कच्चे रास्ते को यूज कर जाते हैं। बोले रोड रोड जाएंगे तो 10 किलोमीटर से जाना पड़ेगा, जो 5 किलोमीटर में काम हो जाएगा। टैक्सी ड्राइवर यूज करते हैं, टैक्सी ड्राइवर का भी हाईवे को कम से कम यूज करते हैं, जहाँ यदि छोटा रास्ता है तो। नहीं है तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो और डीजल बचाने के चक्कर में बी लाइन पाथ को यूज करते हैं। बी को फिर पकड़ लिया और फिर कहा बी हाइव का क्या मतलब हुआ? मैंने आपको एक साइटेशन डाल दिया, रेलवे स्टेशन वो बी हाइव है। रेल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, एक सोर हिंट दिया, रेलवे स्टेशन आपका बी हाइव है या बस स्टेशन बी हाइव है। मैं अब चलता हूँ कि अपनी क्लास अपन रेलवे स्टेशन पे लगाएंगे, क्या लगा सकते हैं क्या? नहीं, वो वी हाइव है। वी हाइव का मतलब होता है व्यस्त स्थान, क्योंकि जो बी का जो हाइव होता है हमेशा बिजी रहता है। देखा करो, एक मधुमक्खी जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ, वो कभी खाली नहीं रहता, उनका कार्यक्रम चलता रहता है। वो कहते हैं व्यस्त स्थान, जो बिजी प्लेस होता है, दैट इज नोन एज बी हाइव। मधुमक्खी काम में आ गई आपके यहाँ पर दो तरीके से। बी डबल ई बी का मतलब होता है मधुमक्खी। यदि आप उस मधुमक्खी को इस वे में देखेंगे, अंग्रेजी के वे में लेना चाहेंगे, तो आपके पास नॉलेज का भंडारा आएगा। वो भंडारा कहता है बी हाइव रेलवे स्टेशन हो सकता है, बी लाइन पास छोटा रास्ता हो सकता है। फैदर योर ओन नेस्ट, अपना स्वार सिद्ध करना, कुकूज नेट बिन बुलाए मेहमान, शो वाइट फैदर कायरता दिखाना या समर्पण करना। बीफ अप या स्टेप अप, सिक्योरिटी को बढ़ाना। स्टेप आउट बाहर जाना, स्टेप इन अंदर आना। यहाँ पर ग्राइंड योर ओन नेक्स्ट, अपना स्वार सिद्ध करना। इंट्रोड्यूस, अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। कॉर्पोरियल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत कहलाती है। और कार्नल प्लेजर, अट्रैक्शन टू आर से वुमेन और ए गर्ल नोन एज कार्नल प्लेजर। क्लियर आज का सेशन? आज जो मैंने आपको राइटिंग करवाई है उसकी प्रैक्टिस करना आप, उसी से आपकी